बागपत मलादा डिवीजन के अंतर्गत बागलपुर जिले में ही विक्रमशील के रेलवे पुल काफी दिनों से बंद रहा है। तस्वीरें में आपको दिखाई जब देख भी सकते हैं, जिसको ग्रामीणों ने खबर काम को देखते हुए यहां पर ही आपको बता चल रोक दिया गया है। और विक्रमशील रेलवे स्टेशन का पुल संख्या 113 में काम चल रहा था, जिसमें काफी आपको बताया चले कि खराब काम होने के कारण यहां पर रही रमजानीपुर पंचायत की मुखिया प्रतिनिधि देहरू यादव को रोक दिया गया है। देहरू यादव ने बताया है कि काम को काफी खराब काम किया गया है, अब पुल पूरी तरह से बना नहीं है, पुल आपको बताया चले फेक्र कर दिया गया है। कारण यह है कि इसे कारण ही रोक दिया गया है, रेलवे इंजीनियरिंग मौजूद नहीं थे, काफी घटिया माल पुल का निर्माण करवाया गया है। टाइम डे की न्यूज आने के लिए भागलपुर से बिट्टू कुमार की रिपोर्ट। खराबी लगा कि मिर्जा चौकी के कोटेट हाफ इंच गर्दी से जो कि पुल के ढाला गया है, पुल अभी एक करक गया ट्रेन चलने से। ये हरदेव कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, जो कि यहाँ जेई के रह के ढलैया करवाने का नियम है, और नियम से हट के घटिया से घटिया काम करता है, जो कि ये ग्रामीण रोड इस तरह नहीं ढलाया जाता है। छड़ देना चाहिए 12 mm के, 8 mm के रॉड दे दिया गया है। हमने ये पुल के लिए हरदेव कंस्ट्रक्शन के नाम से DM को लिखेंगे, और जब तक ये पुल टूट के या जांच नहीं होगा तब तक ये पुल को काम बंद रहेगा और काम ये नहीं कर सकता है। आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं ग्राम रमजानीपुर पंचायत का जनप्रतिनिधि करता हूँ, वर्तमान मुखिया चंदा देवी, मैं पूर्व मुखिया हूँ रमजानीपुर, और रमजानीपुर पंचायत से रामपुर पंचायत के जुड़ने का पुल है, जो कि पुल घटिया से घटिया काम किया गया है। इन्होंने कभी भी गिर सकता है, जबकि अभी बनने से 8 से 10 रोज हुआ है ढलैया के, 15 रोज अभी फाट गया है, गिरने लगा है। आज रेलवे का यह जो पुल रमजानीपुर पंचायत और विक्रमशिला रामपुर को जोड़ने का काम करती है, उसमें घटिया निर्माण हो रहा है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसमें जो सरिया का जो बंधाई हुई है वो प्रॉपर नहीं है, सरिया का जो क्वालिटी है वह प्रॉपर नहीं है। और जैसा ग्रामीणों ने बताया कि इसके ढलाई में जो है NTPC का ऐश मिलाकर ढलाई किया जा रहा है, और आप जहां तक देख भी रहे हैं कि यह जो है अभी 10-20 दिन जो हुआ है अभी चरकना शुरू हो गया है। यह रेलवे पुल जो है ऐसे भी जाके जो है ट्रेन के तेज गति के परिचालन के वजह से काफी कंपन होती है, और उसके बाद यहाँ गुणवत्ता की अनदेखी हो रही है, तो ऐसे परिस्थिति में एक बड़ी दुर्घटना को जो है निमंत्रण दे रहा है यह पुल। और यहाँ के जो अभी जो केयर टेकर हैं जिनके देखरेख में यह कार्य हो रही है, अभी सरिया जो बांधा गया उन्होंने खुद से भी एक्सेप्ट किया कि हाँ यहाँ प्रॉपर नहीं है, इसको हम खुलवा के फिर से बंधवाते हैं। तो एक वह है, दूसरा चीज आप देख रहे हैं कि मिर्जा चौकी इसमें जो मेटल लगना है, छर्री लगना है, वह पाकुड़ का लगना है जो एस्टिमेट में है, और यह लोकल खदान का छर्री ला के जो इसमें लगा रहा है, जो कि गुणवत्ता को जो है धूमिल कर रहा है, सवाल खड़ा कर रहा है। चंद पैसों की बचत के कारण जो है इस पुल की जो गुणवत्ता को जो है के साथ अनदेखी हो रही है, और यह इससे एक बड़ी घटना जो है घट सकती है। हम इसके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि इसकी जाँच हो, आला अधिकारी से मांग करते हैं कि इसकी गुणवत्ता की जाँच हो, और इसका जो है निर्माण आगे भी गुणवत्तापूर्ण हो, वर्ण जाके जो है ताकि रमजानीपुर और रामपुर के लोगों के यहाँ के जान माल के हिफाजत हो सके, सुरक्षा हो सके, और लोग जाके जो है सुरक्षित रहे, और यह आवागमन दो पंचायत का जो जोड़ने का काम है वह जो है सुगमता पूर्वक हो, और जाके इसकी गुणवत्ता पर जो है हमेशा ख्याल रखी जाए। आज हो कल हो निर्माण जब भी हो JEE की उपस्थिति में हो, JEE यहाँ रहे, नियम है, लॉ है कि जाके जो है जब भी ढलाई होगा तो JEE की उपस्थिति में होगा, लेकिन यहाँ जब जब भी ढलाई हुई तब कभी JEE नहीं रहे। और यहाँ के जो है ग्रामीण परिवेश के जो लोग हैं जिनको थोड़ा ज्ञान की कमी है, अज्ञानता के वजह से इन लोगों ने कभी नहीं, आज हमारे जनप्रतिनिधि रमजानी पंचायत के जो है पूर्व मुखिया वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि इस घटनास्थल पर आए हैं, हम लोग भी गांधी युवा मंच के लोग यहां पर आए हैं, और इनकी गुणवत्ता को देखते हुए जो है हम इस पर सवाल उठाते हैं, और हम सरकार से मांग करते हैं, वरीय पदाधिकारी से, रेल के पदाधिकारी से मांग करते हैं कि इसकी गुणवत्ता की जाँच हो। और इस पर जाके लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन